झरना कितना ऊंचा था? झरना चल रहा। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल, इंडियाज़ #1 इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th। ये घटना सुबह 9 बजे की है, जो पानी की सप्लाई के टाइम पे ये मेन लाइन है जो 10 इंच की है वह ब्लास्ट हो गई थी। उसकी वजह से काफ़ी पानी व्यर्थ हुआ, लेकिन उससे जैसे ही हमें पता चला, हमें सूचना मिली, हमने तत्परता से जल जल विभाग को इसकी सूचना दी और इस सप्लाई को बंद करवाया। उसी के साथ साथ अभी उस विभाग को भी हमने फ़ोन कर दिया है और उन्होंने जल्द से जल्द यहाँ पे कर्मचारी भेजे हैं और इसको जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए। मैडम, कितना पानी लीटर बहा गया है और गर्मी का मौसम आ गया है, ये हज़ारों लीटर पानी व्यर्थ हो गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने विभाग की लापरवाही रह जाती है कि एकदम से अगर आप सप्लाई देते हैं और ब्लास्ट होती है तो ये जलदाय विभाग की लापरवाही होती है। इसी के चलते हमसे मेरा यही कहना है कि जलदाय विभाग से कि जो आज सप्लाई बंद हुई है, जहाँ जहाँ इस सप्लाई से जो इलाका जो इससे प्रभावित हुआ है, वहाँ अगर इन्हें टैंकर, पानी के टैंकर से इनको सुविधा दी जाती है तो इन लोगों को राहत मिलेगी, क्योंकि भीषण गर्मी का मौसम है। बहुत ही जो हमें मूलभूत सुविधा है वो पानी की है, जो कि गर्मी के अंदर हमें बहुत ज़रूरत होती है। और मेरी यही प्रशासन से मांग है कि इनको जलदाय विभाग से कि इनको टैंकर की व्यवस्था की जाए और इनको सुविधा प्राप्त। ये 10 इंच की लाइन है जो मेन रोड अजय नगर भगवानगंज की है। अगर ये वैसे अभी जो कोरोना की वजह से हमारे यहाँ के लोग हैं जो कि अपनी घर के अंदर है, अगर यही लोग रोड पर होते, मेन लोग चलते होते, अगर कोई वाहन की अगर इसकी घटना हो जाती तो ये प्रशासन की गलती। उर्मिला नायक, वार्ड नंबर 18 पार्षद।